लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जन भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए, कहीं किन्हीं परिस्थितियों में कोई गलती करते हुए, एक भ्रष्टाचारी को पुनः टिकट दिया, जो 5 साल से इस विधानसभा में कार्यकर्ता और जनता का अपमान करने के साथ साथ सिर्फ पैसा वसूलना उसका मुख्य उद्देश्य था। पैसे के अलावा उस आदमी ने आज तक अपने जीवन में कुछ सीखा नहीं, चाहे कोटेदार, प्रधान, लेखपाल, अधिकारी, कर्मचारी और जो जनता उसके पास जाती थी उसके साथ वह बदव्यवहार करता था। इस मजबूरी में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, सिसवा के सम्मान में मैं बागी प्रत्याशी के रूप में आज पर्चा भरा हूँ और मेरा लक्ष्य है कि उस बेईमान विधायक ने कुछ नहीं किया, नहीं तो आज हम लोग जिस जगह खड़े हैं, आज यह नगर पंचायत का दर्जा इसको मिलना चाहिए था। यह नगर पंचायत रहता, यहाँ आसपास विकास बहुत तेजी से होता। ठूठी बारी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वह भी नगर पंचायत हो गई रहती। हमारा निचलौल जो नगर पंचायत है वह नगर पालिका बन गया रहता। सिसवा को तहसील के दर्जा के लिए अगर हम लोग प्रयास करें तो वहाँ एक नई तहसील बन सकती है, सदर और सिसवा को ब्लॉक को मिला के। लेकिन ऐसा उसने कोई काम नहीं किया जिससे सिसवा का विकास हो सके। हम, यह जनता जो हमको प्यार, आभार और सम्मान दे रही है, मैं यह वादा करता हूँ कि ठूठी बारी भी नगर पंचायत होगा, मिठौरा भी नगर पंचायत होगा, निचलौल नगर पंचायत नगर पालिका होगा, सिसवा तहसील बनेगी। उद्योग के लिए अपने व्यापारी साथियों को लेके एक कमेटी बनाई जाएगी कि छोटे बहुत बड़े उद्योग यहाँ लगाए जाएं। और जो सबसे बड़ी बात रही कि ऐसा नाखादा विधायक आपने जीवन में नहीं देखा होगा कि उसके सामने से जो निचलौल की शान थी, निचलौल डिपो, वह उसके नाक के नीचे से निकल के महाराजगंज चली गई और वह सोता रहा और पैसा वसूलता रहा। और आज वहाँ वर्कशॉप, कितनी बड़ी ज़मीन है। मैं अगर विधायक बनता हूँ आप सबके स्नेह से, आप सबके प्यार से, तो वहाँ पे वर्कशॉप बनवाऊँगा, वहाँ पे रोडवेज पे दबाव बना के, परिवहन विभाग मंत्रालय पे वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाऊँगा कि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना वहाँ जगे, वह अपना स्वरोजगार कर सके। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पुनः अपनी पार्टी पे आऊँगा। बॉर्डर डेवलपमेंट के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है, यह आप सब मीडिया के साथ ही जानते हैं। और लोगों का यह विचार था कि सोहगी बरवा, हमारा पूर्व, हमारा विधायक जो वर्तमान है, यह चाहता था कि सोहगी बरवा चला जाए बिहार में। लेकिन यह कितनी बड़ी क्षति महाराजगंज की होगी, पर्यटन के रूप में।